नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा वर्मा। स्वागत है आपका NI 24x7 न्यूज में। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कासगंज में दिन दहाड़े गोलीकांड, गोलियों की तड़तड़ाहट से फिर गूंजा कासगंज शहर। कासगंज नगर पालिका सफाई कर्मचारी को मारी गोली, लहूलुहान हालत में कोतवाली पुलिस ने कराया हॉस्पिटल में भर्ती। 28 वर्षीय सोनू को लगी गोली, सफाई कर्मचारियों में भारी आक्रोश। कासगंज सदर कोतवाली का किया घेराव, सदर कोतवाली के गंगा बैंड वाली गली के निकट का मामला। क्या नाम है आपका? जी दीपक बाबू। दीपक बताइए, सुबह क्या घटना हुई है, क्या मामला है आपके समाज का, ये सफाई कर्मचारी से क्या मामला हुआ? एक सफाई कर्मचारी जो कूड़े की ट्रॉली पे कार्य कर रहा था, जिसने रिंकू ठाकर ने आकर के और कूड़ा उठाते समय दबादब फायरिंग कर दी। उसके साथ में 15-20 लोग थे, जो वाल्मीकि समाज में काफी रोष व्याप्त है और नगर पालिका प्रशासन हमारा पूर्ण सहयोग कर रहा है। जनपद कासगंज का पूरा पुलिस प्रशासन हमारे साथ में है। जिसने फायरिंग की है, जिसने गोली मारी है, वो दोषी व्यक्ति पकड़ भी चुका है। अब इस समय शांति का माहौल बना हुआ है, कोई किसी व्यक्ति कोई परेशानी नहीं। नहीं, आप जैसे बताया जा रहा है चौराहे पर जाम वाम लगा दिया था, वो क्या तो जाम लगा दिया था, ये उस समय की घटना थी जिस समय गोली लगी थी, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण है, सब शांति का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट, राम खिलाड़ी शर्मा।